सो हेलो डियर स्टूडेंट्स यूट्यूब फैमिली, आज के वीडियो में आप लोगों को मैं कक्षा 12th कक्षा 12 का जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें जो भी गद्य साहित्य में पाठ हैं उनके जो रचनाकार हैं उनका जीवन परिचय आता है लिखने को बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में जीवन परिचय अवश्य ही लिखने को आता है, गद्य साहित्य से और काव्य साहित्य से दोनों से आ जाता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में जीवन परिचय बताऊंगा, ठीक है। और यह जीवन परिचय जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है इस वीडियो में, और इसके पहले मैंने इसके जो पहले वाला था उनका मैंने बना रखा है जयंत कुमार जी वासुदेव सरल अग्रवाल का, ये दोनों का बन गया है। तो आप लोग जाके आई बटन में मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी वीडियो अपलोड किया गया है वहाँ से भी देख सकते हो। तो इस तरह से मैं काफ़ी सारे जीव जीवन परिचय हैं वीडियो अपलोड कर रखा है, तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देख लीजिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है, और यहाँ पर आप लोगों को लिखते समय जीवन परिचय इस तरह से लिख के हेडिंग लगा लेना है ब्लैक पेन से। उसके बाद लिखना है प्रभाकर जी का जन्म, या फिर पूरा नाम भी लिख सकते हो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 19 मई 1906 ईस्वी में, ठीक है। 19 मई 1906 ईस्वी में सहारनपुर स्थित देवबंद ग्राम में हुआ था। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो, सहारनपुर स्थित देवबंद ग्राम में हुआ था। यह एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। इनका जो जन्म था सहारनपुर स्थित देवबंद ग्राम में हुआ था और एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र जी आजीविका पूजा पाठ और पुरोहितवाही थी, ठीक है। इनके जो पिता थे वह उनकी आजीविका थी, जो जीविका चलाने के लिए उन्होंने, इनके पिता का नाम था रामादत्त पहली बात, और ये जो काम करते थे इनके पिता पूजा पाठ कराते थे और पुरोहिताई करते थे और पर विचारों की महानता थी। इनके इनके पिता के पास बहुत ही महान विचारक थे, बहुत ही अच्छे खासे विचार के थे, बहुत ही महान माने जाते थे, और व्यक्तिगत की दृष्टि में वे श्रेष्ठ थे। प्रभाकर जी की माँ का स्वभाव बहुत कर्कश और उग्र था, इनकी माँ का जो व्यवहार था बहुत ही कर्कश और उग्र था। लेखक ने दोनों का परिचय देते हुए कहा, यहाँ पर लिखा है लेखक ने दोनों का जीवन परिचय देते हुए लिखा है वे दूध मिश्री तो माँ लाल मिर्चा, जैसे कि दूध मिश्री आप लोग जानते हो कितना मीठा होता है, वहीं पर लाल मिर्चा की तुलना की जाए तो लाल मिर्चा आप लोग जानते ही हो कैसा होता है, कितना तीखा, तो उसी प्रकार से इनकी माँ का व्यवहार था लाल मिर्चा के स्वरूप ही। तो यहाँ पर देख सकते हो इनकी शिक्षा प्रायः नगण्य थी, यानी कि ना के बराबर ही इनकी शिक्षा हुई थी नगण्य। इनकी जो लेखन विधा है वह है गद्य साहित्य, इनकी लेखन विधा जो थी गद्य साहित्य है, और भाषा शैली जो है तत्सम प्रधान शुद्ध और साहित्यिक, खड़ी बोली है इनकी भाषा शैली जो है तत्सम प्रधान और शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। प्रमुख रचनाएं आप लोगों को याद रखना है, पूछ लिया जाता है ये अक्सर बार। प्रमुख रचनाएं हैं आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्काई, ठीक है। यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और यहीं पर इनकी मृत्यु जो हुई थी 9 मई 1995 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया, ठीक है, निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया, देवास हो गया। तो यहाँ पर इनका जो जीवन परिचय है फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से आप लोग इनके जीवन परिचय को लिख सकते हो शॉर्ट तरीके में, जो मैंने शॉर्ट तरीका बताया आपको इस वीडियो में। तो इस तरह से काफ़ी आसान लिख सकते हो, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना भाई लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस तरह से आप लोगों के लिए मैं डेली बाय डेली वीडियोज लाता रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार विश्वास करके देख सकते हो किस तरह से क्वालिटीज मैं देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।